निकल चुके थे हैदराबाद से कराची के लिए, तो देखिए दोनों तरफ इतनी अच्छी हरियाली सी थी कि धूप को रोका हुआ था, छांव छांव सी थी। और वैसे भी हैदराबाद से इनका मौसम बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा सा होता है, शामें बहुत अच्छी और ठंडी शाम होती है वहाँ की। मुझे यहाँ की सड़क बहुत अच्छी लग रही थी, एक वो ठंडी सड़क सी क्या कहते हैं, तो मैंने कहा चलें इसको भी शूट करती हूँ और दिखा देती हूँ कि अब हम निकल चुके हैं घर से। कराची का टूल आ चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची पहुंच चुके थे। सब फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, और ब्लॉग पसंद आता है तो शेयर। रात में आने के बाद जल्दी सो गए थे, नेक्स्ट डे बच्चों को स्कूल जाना था और मुझे ख़ुद को भी बच्चों के साथ स्कूल जाना था, साहब को ऑफिस जाना था, फिर मुझे घर की सब चीज़ें मेंटेन करनी थी, साहब को भी भेजना था, लंच बना के भी देना था और बच्चों को भी स्कूल लेके जाना था, लंच भी रेडी करना था। तो बस मैं जल्दी जल्दी स्कूल आई हूँ और कुछ मैम से बात करनी थी, एक दिन इन्होंने ऑफ़ किया था वो सब बताना था, इस तरह बच्चों को नहीं बिठाते हैं। तो बस फिर मैं आई और ये बच्चों का स्कूल था, क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो बस फिर बच्चों को क्लास में भेजा, फिर मैम से बात करी और फिर मैं इस वाली शॉप पे आ गई थी। यहाँ पे सुबह में हलवा पूरी का नाश्ता होता है, ये घर के और स्कूल के दोनों के करीब है, वॉकिंग पर ही है, तो फिर मैंने कहा चलो अब बाहर निकले हैं तो कर लेते हैं। लेकिन बहुत ज़बरदस्त नाश्ता था, बहुत लजीज हलवा था, मज़ा आ गया। और ये चाय भी मैंने कहा चाय पीती हूँ क्योंकि घर जाने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छी होंगी और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। और आज के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अगर मुमना खान ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। बस आज ही स्टार्ट करती हूँ। रात में आता बस से हम लोग आ गए थे, अभी बच्चों को स्कूल छोड़ के आई हूँ क्योंकि
बच्चों का कल ऑफ हो गया था, तो मैंने कहा चले बता देती हूँ टीचर्स को कि बच्चे क्यों नहीं आए थे। मैम से बात हो गई मेरी, मैंने सोचा चले बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ, मैंने बाहर नाश्ता किया था, मैंने कहा चले वॉकिंग के ऊपर ही तो थोड़ा सा है तो चल के नाश्ता भी बाहर ही कर लेते हैं। चाय भी बाहर पी ली थी, लेकिन फिर भी जो घर की चाय है वो उसमें नहीं मज़ा आता है। बस चले पहले चाय बनाते हैं और फिर देखते हैं। आज मुझे लॉन्ड्री का काम करना है, घर में बहुत डस्ट हो रही है। 2 दिन भी फ्रेंड्स घर बंद होता है ना तो उसमें मिट्टी बहुत हो जाती है, तो बस काम स्टार्ट करते हैं। लॉन्ड्री भी साथ लगाते हैं, सारी बेड वेड के कवर चादर सब चेंज करते हैं और जुड़े रहिए, देखते रहिए क्या क्या होता है। आज हैदराबाद गए, वहाँ पे बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। वहाँ जाने के बाद थोड़ी सी नींद भी इस तरह जैसे पूरी नहीं होती, सबसे मिलना बैठना, और उठते तो लेट ही है लेकिन ये भी फिर भी ये होता है कि चलें सबको टाइम दें, सबसे मिलें, सबसे बातें करें। वहाँ सब किसी ना किसी के पास बैठ जाते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता, और लेकिन ये कि जब भी जाते हैं फ्रेश होके आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। जिसकी इंगेजमेंट में गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ सारा। अल्लाह ताला उस बच्ची को खुश रखे और आगे भी उसकी सारी चीज़ों में ऐसी खुशियाँ आती रहें और वो अपने घर में खुश रहे, आमीन। तो बस अब आज मैं समझ में नहीं आता क्या करूँ, तो मैंने कहा चले मटन बनाते हैं, पहले लॉन्ड्री का और क्लीनिंग का काम करते हैं, उसके बाद में मैंने सोचा है कि चाय पी के मटन बनाती हूँ। यहाँ मैंने प्याज फ्राई करने के बाद मटन डाल दिया इसके अंदर। लॉन्ड्री का मेरा काम हो चुका है तो मैंने कहा बच्चे आने वाले हैं जल्दी से मटन चढ़ा दूँ। मेरे पास पालक भी रखा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ कि पालक ब्रेड बना लेती हूँ। देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है सालन हमारा। मैंने मटन को थोड़ा सा गलने के बाद इसमें सारे स्पाइस टमाटर हरी मिर्च एड कर दिया था, और फिर मैंने कहा चलो ये जो थोड़ा सा पानी मटन का रहता है इसके अंदर ही टमाटर भी गल जाएंगे, तो बस अब इसके अंदर हम डालेंगे पालक। देखिए कितना अच्छा हरा हरा पालक आया हुआ था, तो मैंने कहा चले मटन के साथ बना लेती हूँ, वरना मैं मटन की कढ़ाई बना रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं पालक रखा हुआ है और साहब को पालक गोश्त अच्छा भी लगता है। पालक गोश्त वैसे भी सबको अच्छा लगता है मटन के साथ, तो बस अब ये मैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी, टमाटर भी गल जाएंगे इसके अंदर और सारा पालक का पानी भी ड्राई हो जाएगा, और फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं इसको। और ये देखिए जी बन चुका है हमारा पालक, अब बिल्कुल ये लास्ट उस पर है, बुनाई हो रही है इसकी। अब मैंने इसका फ्लैम भी फुल कर दिया है क्योंकि अब जल्दी से इसकी बुनाई करते हैं और फिर बच्चे आने वाले हैं तो जल्द से लंच रेडी करते हैं। ये देखें ये हो गया है रेडी, और बस अब इसको स्लो फ्लैम पे रखते हैं दम के ऊपर, और जब तक इसका ऑयल सारा ऊपर आ जाएगा। मैं ऑयल कम डालती हूँ अपने साहब की वजह से, तो जो भी ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा और दम भी हो जाएगा। ये था मेरा आज का व्लॉग, आप लोगों ने देखा जो भी था, थोड़ा थोड़ा शूट करती गई, बनाया मैंने कि नहीं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी, जो भी सफ़र रहा वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया, और बस जल्दी जल्दी मैं जो भी सालन बनाया जितना शूट कर सकती हूँ करती हूँ आप लोगों के साथ। इसी तरह आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आगे भी आएंगे, लेकिन बस आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। प्लीज़ लाइक और बेल का बटन दबा दीजिएगा, थम्स अप का, सिर्फ एक थम भी तो लगाने की ज़रूरत होती है लाइक करने के लिए। वॉच करते हैं तो लाइक भी कर दिया करें, और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ आएंगे। बस आज मैंने बनाया था मटन पालक, वो भी आप लोगों को दिखाया है मैंने, और आने के बाद इतना बिजी हो गई थी क्योंकि कहीं से भी आते हैं तो प्रॉपर एक घर को भी टाइम देना होता है। फिर आज सुबह अर्ली मॉर्निंग से उठी हुई हूँ, घर को देखना, लॉन्ड्री देखना, बच्चों के स्कूल देखने, और बस आज बिल्कुल भी ख़ुद को टाइम नहीं दिया है। अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, कोशिश कर रही हूँ आज पूरी कि आज से वॉक स्टार्ट कर ली जाए, क्योंकि आज सुबह भी पूरी खा ली, हलवा खा लिया, और कल भी कोई अनाबे की बर्थडे देखो क्या घर में करती हूँ या बाहर करती हूँ। मेरा प्लान यही है कि फिर दोबारा नेक्स्ट डे अनाबे बच्चों को स्कूल जाना होगा, तो जो भी बाहर का प्लान है वो सैटरडे को करेंगे, कल घर में केक कटवा देंगे, और जो भी होगा आपको ज़रूर बताएंगे। आप लोग साथ होते हैं, साथ रहेंगे, और जितना भी शूट करेंगे आपको सब दिखाएंगे। इंशाल्लाह सब को बहुत सारी दुआएं, और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलूंगी।
जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।